वाह जज साहब, क्या बात है, क्या बात है साहब, मतलब कमाल ही कर दिया आपने। आपके कहने का मतलब है कि गलती मारने वाले की नहीं है जिसने तलवार से चाकू से मार दिया, गलती है मरने वाले की कि भाई तू अपने इस शरीर को लेकर चाकू के पास तक आया ही क्यों। अब तेरा शरीर चाकू तक जाएगा तो सर तन से जुदा तो होगा ही। ना ना, एकदम सही बात कही है आपने कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? मतलब कोई इतनी सी तो शर्म कर लो भाई। नुपुर शर्मा केस में जज साहब ने अपना फरमान जारी करते हुए फैसला सुनाया है कि नुपुर शर्मा को अपनी जुबान पर काबू रखनी चाहिए, उन्हें अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, उन्हीं की वजह से देश में दंगे हो रहे हैं। कन्हैया लाल के मारे जाने के पीछे भी नुपुर शर्मा ही है। मुझे तो अब शक होने लगा है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या अफगानिस्तान में। कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स पर लिखी एक लाइन सच साबित होती दिख रही है कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। आज सचमुच कोर्ट के फैसले से मन दुखी हुआ। एक कोर्ट इस तरह का फैसला भी दे सकता है, ये कभी सोचा भी नहीं था। कैसे जस्टिस कांत, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, वो कन्हैया लाल की हत्या को जस्टिफाई कर सकते हैं? एक टीवी डिबेट में दिए बयान को लेकर अगर पूरे देश में हाय तौबा मच सकती है तो फिर इन ट्वीट्स पर जस्टिस कांत क्या फैसला सुनाना चाहेंगे। जब प्रतीक सिन्हा नाम के दो कौड़िये ने लिखा था, सी मेनी पीपल पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ गणेशा, यू गाइस रियली बिलीव ए मैन हैड एन एलिफेंट हेड, महुआ मोइत्रा नाम के दो कौड़ी की नेता ने लिखा था, होप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज नॉट नेक्स्ट ऑन द डिगिंग लिस्ट, गरीबों के चंदा से इकट्ठे किए पैसों से विदेशों में मौज करने वाली दो कौड़ी की पत्रकार राणा अयूब ने ट्वीट कर लिखा था, गरीब सीता के घर पे कब तक रहेंगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास उसके बदन से कब तक छीना रहेगा। दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार इस तरह का ट्वीट किया था जिसमें हाथ में झाड़ू लिए आदमी स्वास्तिक के पीछे भाग रहा था। आप सोचिए, ये वो चंद ट्वीट्स थे जहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन ट्वीट्स के बावजूद हिंदुओं ने कोई दंगा नहीं किया, देश नहीं जलाया, किसी को मारा नहीं। इसी चुप्पी के कारण जज साहब को लगा होगा कि इनके देवताओं को कोई कुछ भी कहे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जज साहब, नुपुर शर्मा के केस में आपका लिया गया फैसला हमेशा याद किया जाएगा। एक यूजर ने इस फैसले को लेकर ट्वीट किया और लिखा, जनरली एज एन मेंबर ऑफ द बार आई हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड द एससी फॉर एनी डिसीजन, नो मैटर हाउ मच इट वेंट अगेंस्ट अ क्लाइंट और ए कॉज आई बिलीव्ड इन, बट टूडेज ऑब्जर्वेशंस मेड बाई जस्टिस कांत वॉज शॉकिंग एंड वुड पुट ए शरिया कोर्ट इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान टू शेम। एक दो कौड़ी की औरत है जिसका नाम है साइमा, देश में हुए कई दंगों में यह मुख्य रूप से शामिल थी, हालांकि आज तक इस पर एक केस भी नहीं बन पाया। दिल्ली दंगे के दौरान ये अपने गुर्गों को सही समय पर सही जगह पहुंचने के लिए उकसाती थी। खैर, इस दो कौड़ी की औरत ने ट्वीट किया, थैंक यू जस्टिस कांत। ये थैंक यू किस चीज़ के लिए हो सकता है, कभी सोचा आपने? जी हाँ, इस थैंक यू का मतलब है, सर आपका धन्यवाद कि अब आपने हमें खुले तौर पर आज़ादी दे दी कि कहीं से कन्हैया जैसा कोई भी आदमी सर उठाएगा तो हम उसका वैसा ही इलाज कर देंगे जैसा कन्हैया का किया गया है। ये थैंक यू इसलिए है कि सर अब हम पूरे देश में अपने हिसाब से कानून बनाएंगे और किसी को भी अपने बराबर नहीं आने देंगे। हम भारतीय संविधान के पैरेलल शरिया कानून चलाएंगे, जिसकी इजाज़त देने के लिए आपका धन्यवाद। साइमा के इस थैंक यू में एक हंसी छुपी हुई है कि हमने कन्हैया को मारकर जंग जीत ली, अब कानून हमारा घंटा कुछ नहीं करेगा। एक यूजर ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा है, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर फॉर मोर सच हॉरिफिक अटैक्स ऑन हिंदूज इन फ्यूचर जस्टिस कांत। और ये बात शत प्रतिशत सही है। जिस प्रकार से जस्टिस कांत ने कहा कि देश में हो रहे दंगों के कारण नुपुर शर्मा का बयान है, उसी प्रकार से क्या जज साहब ने एक बार भी सोचा कि खुद जज साहब के बयान से यही दंगे होते तो क्या उन्हें भी कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि जज साहब का फरमान भी एक तरफा है। इस बयान से शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता, जहां अब सर तन से जुदा करने वालों को प्रॉपर लाइसेंस मिल गया है। अब तो बस हम सर झुका के खड़े हैं, आओ और सर तन से जुदा कर दो। अब तो कानून भी तुम्हारा, जज भी तुम्हारा। जस्टिस कांत के इस फैसले के बाद सवाल और जवाब बदल जाएंगे। अगर आप कहोगे कि मेरी कार दंगों में जल गई तो जवाब मिलेगा, किसने कहा था कार खरीदने को? कोई उन दंगों को ब्लेम नहीं करेगा। वीटी स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर बहुत से लोगों को मार दिया, तो भाई वो तो आतंकी हैं, मारने जाएंगे ही,
तुम सब वीटी स्टेशन क्यों गए थे? अगर कोई कहेगा मेरे बेटे को पीटा गया तो जवाब होगा तुम उस रात सोए क्यों, जग के अपने बेटे को बचाया क्यों नहीं। टेररिस्ट अटैक करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया जाएगा और उन टेररिस्ट को अवार्ड मिलेंगे। कन्हैया कुमार को मारने वाले आतंकियों को सजा देने के बजाय नुपुर शर्मा को दोषी ठहराना एक शर्मनाक घटना है। आपको क्या लगता है, मरने वाले आतंकियों ने अपने धर्म के लिए ये सब किया? गलत, ये सब एक ढोंग है। ये आज से नहीं बल्कि पहले से घटिया मानसिकता, घटिया सोच वाले आतंकी थे। इनमें से एक आतंकी ने 2013 में 2611 नंबर रजिस्टर कराया था अपने बाइक के लिए। इसके लिए उसने 5000 रुपये भी पे किए थे। और 2611 नंबर आप समझते हैं ना, मुंबई आतंकी हमले की तारीख। उस तारीख को नंबर प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करके वो उस दिन का जश्न मनाता था। ऐसे आतंकी की आदत थी हत्या करना। ये उसने कोई अपने कौम के लिए नहीं किया, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इंडियन जजमेंट के लिए ये फैसला एक कालिख की तरह है। इस दिन को ब्लैक जजमेंट डे के तौर पर याद किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।